हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आज का जो एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ है उसके कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं जो आज पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचने पर 75 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो दोस्तों, हम लोगों को पता है कि सीपी को हमेशा 100 मानते हैं। ओके दोस्तों, सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ दें या लॉस घटा दें तो वो हमारा सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, वो कह रहे 5% हानि के बदले, तो इसमें 100 में से 5 घटाएंगे तो ये 75% आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब आगे कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचने पर, तो इसमें 10% जोड़ देंगे तो 110% आ जाएगा। तो 110% पर जब बेच रहे तो उसे 75 रुपये का लाभ होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 15%। इस 15% की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 75%, क्योंकि वो 95, पहले 95 पे बेचना चाहता था तो उसने बेचा 110 पे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस जो होगा वो 75 के बराबर हो जाएगा। तो 15% इज इक्वल टू कितना हो गया, 75। तो कह रहे क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य को 100% मानते, तो 100% इज इक्वल टू एक्स। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 × 100/15। तो ये 15 × 75, ये 5 बार गया, तो 5 × 100, तो ये 500 रुपये आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो सीता और गीता की आयु का अनुपात दिया है 7:5, तो सीता की आयु ज्ञात कीजिए अगर उनकी आयु का योग 108 है। तो सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना है, 7:5, और सीता और गीता की आयु का योग कितना है, 108। ये जो दोनों रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, इनका योग दिया है 12 यूनिट इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि सीता और गीता की आयु का रेशियो है, तो 7 + 5 इक्वल टू 12, तो 12 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 108। तो पूछ रहे कि सीता की आयु बताइए, तो सीता की आयु का यूनिट कितना है, 7, तो 7 यूनिट इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स इक्वल टू 108 × 7/12, तो 12 × 108, तो 9 × 7 = 63, तो सीता की आयु आ गई 63 ईयर। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, तो एक व्यक्ति की औसत चाल 30 किलोमीटर/आवर है, यदि ए से बी तक जाने में 24 किलोमीटर है और बी से ए तक आने में चाल बताओ। तो मान लेंगे दोस्तों, हम लोग कोई व्यक्ति है जो कि ए से बी तक जा रहा है 24 किलोमीटर/आवर के, पूछ रहा है कि बी से ए तक जाने में कितना लगेगा, मतलब उसकी चाल क्या होगी, तो एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। तो दोस्तों, एवरेज स्पीड दी है 30 किलोमीटर/आवर, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, 2 × पहली चाल प्लस दूसरी चाल। तो एवरेज स्पीड दी है 30, तो 30 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 24 × x / 24 + x, तो ये 2 से काट देंगे तो ये 15 आ जाएगा, तो 15 × 24 + x इक्वल टू 24x, तो आ जाएगा 360 + 15x इक्वल टू 24x। तो हम लोग पक्षांतर करेंगे, तो 24x से 15x जाएगा तो 9x हो जाएगा, तो 9x इक्वल टू 360, तो हम लोग काटेंगे 9 से, 9 × 9 = 36, तो x का मान आ जाएगा 40 किलोमीटर/आवर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए।